सो गाइस, तो भोपाल का रियल पावर जोन डीजे गोस्वामी आ रहा है सामने से, वो देखिए उस पर लिखा है भोलेनाथ की बारात, तो वहाँ चलते हैं। उसने इस बार कैसा कसा है, कैसा डीजे, बहुत तगड़ा साउंड है उसका, तो उसका कसा है मतलब, अरे मतलब कैसा कसा यानी कि किस तरह की लाइटें लगी, किस तरह का साउंड है, क्योंकि हर बार वो नया लुक लेके आता है। okay. तो वहाँ चल के अपन पता करते हैं कैसा क्या। अरे वहाँ क्या क्या बड़े बड़े एकदम ऊपर ऊपर तक लोग बहुत मुश्किल से लेके आ रहे हैं वो। ये बाबा गाड़ी आ चुकी बाबा। तो गाइस हर बार की तरह नया लुक डीजे गोस्वामी का देख सकते हैं। निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, तार बीच में आ रहे हैं, लाइटें बीच में आ रही हैं, मूर्ति का बस आने ही वाला है अभी, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होता है हर बार का। तो देखिए ये वायरिंग दिखा रहा जरा भाई, हाँ और भाई आदित्य भाई। तो गाइस तो ये देखिए, अगली बार ऐसा था, इस बार ऐसा ऐसा है, यानी कि एरो बनाना चाह रहे थे बट एरो बना नहीं, ये यू शेप है। अच्छा, पिछली बार ए टाइप का था? नहीं नहीं, पिछली बार था एक्स। ओके, प्रिज्म। अभी तो शिव बारात स्टार्ट भी नहीं हुई, इतनी भीड़ हो रही है। अपन ने यहाँ खड़ी कर दी है गाड़ी, क्योंकि यहाँ है बैंक और यहाँ है कैमरा। कैमरा कहाँ है? अब जहाँ भी हो ये लगा हुआ है, लगे कैमरा। क्या कैमरा है जिससे शूट हो रहा है, वो है कैमरा। ओके बस बस भाई। हाँ जी बच्चन जी। तो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं दरबार पे, तो ये देख लीजिए अपने यहाँ का पार्टी इवेंट, भोपाल का जाना माना डीजे, ये अपने भाई संजू भाई का है, और ये भी इनने भी बहुत अच्छी गाड़ी कसी है, फुल लोडेड। तो आइए आपको दिखाते हैं कितना बेस, इतने बेस लगे। भूपेन भाई, ये भाई अपने भूपेन भाई डीजे वाले, ये जो डीजे प्ले करेंगे, शुभम भाई बड़वानी, ये दोनों मिलके पार्टी इवेंट को प्ले करेंगे। ठीक है, चलो आगे दिखाते आपको। ठीक है भाई, मिलते कर दिया। तो भाई तो आज सुबह देख लीजिए डीजे पार्टी ले रहे हैं, भोपाल का जाना वाना डीजे, तो देख ली इतनी मशीनें लगी हुई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा एक एक का। इसमें लगे 6 बेस और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनर, 8 नहीं ज्यादा ही होंगे, 2 पेटी आइस की और सारमिया पंखे वाले ब्लाइंडर, छोटे वाले ब्लाइंडर, मतलब फुल लोडेड, फुल खर्चा, फुल चीज लोडेड। इधर ले लो, यहाँ से बोल रहा जी आएंगे अभी।